हाँ जी, 12th क्लास शुरू करें। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का आपका। चलो भैया देखो, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये कनेक्टेड है सेकंड चैप्टर से। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के ये एक यूनिट है। अरे ये हिल कैसे रहा है भाई? नहीं, मुझे ही लग रहा था ये एक यूनिट है पूरी की पूरी, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, जो मेरे को पढ़ानी है इसको थोड़ा इधर करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। तो आपको यूनिट 1 जिसमें आएंगे चैप्टर नंबर 1 और 2, जिसका नाम क्या है भैया बोल दो सर? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलना, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब या फिर स्टैट, कोई चीज जब रेस्ट पर हो। इलेक्ट्रो का मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। अब भैया देखो, अगर मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं, बच्चे देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब चार्ज रेस्ट पर ना हो। ठीक, इसको तो हटा दिया। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब सीधे सीधे अब आप समझ जाओगे सर, चार्ज इज एट रेस्ट। सिंपल, चलो बहुत सिंपल। इसको अब थोड़ा मिटाता हूं क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है भाई। अब देखो मैं समझाता हूं, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो होता क्या है बोल दो सर? इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप इसको बोल सकते हो ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इस पे फोर्स लगेगा, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तब इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात आती है सर, चार्ज कितने टाइप का होता है? बच्चे देखो, चार्ज 2 टाइप का होता है। ये आप अभी मैं क्या बता रहा हूं, 8th में भी अच्छे से पढ़ चुके हो और 10th में भी। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है, नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है। और देखो, सबसे जो छोटा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज सबको पता है सर, प्लस का ही। ठीक है, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज माइनस का ही। देखो ई की वैल्यू भी अच्छा बात करते हैं, ये तुमने 10th वगैरह में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट सबको पता है सर, कूलम्ब। बोलोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो? देखो मैं कुछ लिखने वाला था इसलिए पहले बता दूं ना, ये होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट। अब प्लस का ई, देखो ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, या फिर जिसको बिल्कुल एक्यूरेट जाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी इससे कोई मैटर करता नहीं है, सबको पता है 602 1.6 ही माना जाएगा। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये ई की वैल्यू है। प्लस का ई सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज, माइनस का ई सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज, और ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है चार्ज ऑफ प्रोटोन। और अगर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो सबको पता है न्यूट्रॉन का चार्ज सर 0। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, चार्ज पता लग गया तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कुछ क्या सर बोल दो, कोर्स के हिसाब से पढ़ाओ ना। तो 3 होती हैं भैया, पसीना बहुत है क्योंकि गर्मी आजकल बंद करने में लगती बहुत है। चलो भाई, लॉकडाउन के टाइम में जैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे करेंगे। अभी तो माइक भी मेरे को मंगाना है, ये तो बेचारा पुराना दुराना टूटा फूटा पड़ा हुआ है, क्या करें, इससे काम चला रहे हैं। हाँ देखो, चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है, 1, 2, 3, एडिटिविटी। ठीक है बच्चे, और क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन।
एडिविटी लिख दिया। ओ हो भैया तुम तो कमेंट करते सर तो बेवकूफ है। एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। चलो अब इनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले एक अच्छी बात भी बता दो। देखो आपके इनके बिल्कुल आज की क्लास में मैं जितना भी पढ़ाऊंगा इसके प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, लेकिन वो जैसे भी होंगे ना थोड़ा सा आपको फोटो मिलेगी, थोड़ा सा लिखा हुआ। तो कई बच्चे बाद में कमेंट मेरे को, भाई बाद में तुम ये कमेंट मत करना सर ये कैसे है, अजीब सी लग रही है वेबसाइट। तो मैं आपको देखो रीजन बताता हूँ उसका कि गूगल बाबा को भी जवाब देना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ फोटो फोटो खींच के डाल दूंगा ना तो भैया ये जो आपके गूगल भैया है वो नाराज हो जाएंगे। अब गूगल भैया तुम जानते ही हो कौन है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। देखो एडिटिविटी, इसका सिंपल मतलब है भाई मेरे पास एक सिस्टम है। सिस्टम तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो, कोई भी सिस्टम, कोई जगह है चलो उधर जितने भी चार्ज है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको पता है जब भी टोटल चार्ज पूछा जाएगा वो सारे चार्जेस का सम होगा, ठीक है, लेकिन एलजेब्रिक सम होगा। मैं समझाता हूं। देखो एडिटिविटी का मतलब है एक सिस्टम में जितने भी चार्ज है जब भी नेट चार्ज पूछा जाए उस पूरे के पूरे सिस्टम का तो हमें सारे चार्जेस का एलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। वो जो नोट्स है उनमें एक एग्जांपल है बढ़िया सा, एक मैं भी दे देता हूं, चलो भाई तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चल जैसे ये है मेरे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, यह है माइनस का 3 माइक्रो कूलम का चार्ज, ये है प्लस का 4 माइक्रो कूलम का चार्ज। अब देखो टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का पता कितना है, देखो 2 + 4 = 6 माइनस का 3 बोल दो वैसे ही सर प्लस का 3, तो टोटल जो चार्ज होगा होएगा प्लस का 3 माइक्रो कूलम। और प्लस वगैरह लिखते नहीं है ये, वो बस मैं पॉजिटिव करने के लिए आपको ऐसी शो कर रहा था मजाक मजाक में, हाँ प्लस नहीं लिखते। चलो एडिटिविटी क्लियर हुई चार्ज की, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो जितने लेट से अगर मैं यहाँ पे एक और ले आऊं, सर एक और ले ही आओ आप, माइनस का 8 माइक्रो कूलम, तब ये जो वैल्यू है सबको बताया अरे सर क्या कर रहे हो, तब आंसर ये आ जाएगा। मतलब आपको सारे चार्जेस को सिंपली प्लस प्लस करना और कुछ नहीं करना। क्वांटाइजेशन की बात करता हूं, देखो सबको बताया सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो जितने भी चार्जेस हैं वो ई से मल्टीप्लाई होके बनते हैं। नहीं समझे मैं समझाता हूं। देखो भाई घर को बनाने के लिए ईंटें लगती हैं, अब ईंट से छोटा क्या लेके आओगे, सिंपल है ना, बेसिक चीज तो घर की ईंट ईंटें होंगी ना। ऐसे ही कितना भी बड़ा चार्ज हो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मिलकर बनता है, हमेशा याद रखना। इसीलिए क्वांटाइजेशन का, क्योंकि अब तुम पूरे साल पढ़ने वाले हो, बच्चे इस चीज को रट्टा मार लेते बड़े प्यार से, ओ सर आपने मार रखा है क्या। अब बात करता हूँ किसकी, कंजर्वेशन की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है भैया, ये भी बोलोगे भैया, मतलब जिसका याद है तो वो एक मिनट में समझ जाएगा भाई। देखो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ऐसे नहीं है कि बस मैंने बोल दिया नेदर, आप खुद सोचो भाई। लेट से आप बचपन में क्या करते थे, स्केल को अपने सर पे रगड़ते थे, ठीक है, और वो स्केल को रगड़ के आप ना ऐसे कागज पकड़ते थे ऐसे, ये स्केल ठीक है, ये कागज के टुकड़े, और वो चिपक जाते थे, चिपकते थे ना। एक्चुअल में पता होता क्या है, आप का जो सर है उस पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी बच्चे गलत बोल दिया, आपके सर से स्केल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि स्केल में चार्ज अचानक से फूट पड़ा, आपके जो सर के ऊपर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सारे नहीं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है स्केल के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये जो पड़ा हुआ कागज है ये टुकड़े पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। चलो भैया मजा आ गया, कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन सब क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं खेल को आगे बढ़ाने की, वो ये है। देखो
इसके बाद आता है आपका क्या, कूलम्स लॉ। और बच्चों नोट्स में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, वैसे उसमें क्वेश्चंस है बट मैं सोच रहा हूँ थोड़े से और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, जब भी ऐड करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा। अब बोलोगे सर हमको बताओगे क्या, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आएगी तुम्हारे पास, बिल्कुल दिक्कत मत लो, लेकिन नोटिफिकेशन बेल दबानी पड़ेगी और ऑल पे सेट भी करना पड़ेगा। बेल दबाओगे तो उसको ऑल पे सेट कर देना, तभी जैसे ही मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगी, अदरवाइज तो आधी चीज़ें पता है आधी चीज़ें नहीं पता, मेरे भरोसे बैठे रहोगे। भाई जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं समझ में आती है उनको व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन जो नए हैं जो जानते नहीं पहचानते नहीं वो क्या घर थोड़ी आएंगे फरीदाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। हाँ जी, अब देखो ये भाई लोग हैं, इन्होंने बना दिया क्या कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ था क्या रे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। कूलम्स ने बोला देखो दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्जेस क्यों ले रहा हूं, ताकि उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना उसको कैलकुलेट करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। लेट से दिस चार्ज इज क्यू टू, दिस चार्ज इज क्यू वन, अरे आधे बच्चे तो वैसे समझ गए होंगे। फिर देखो कूलम ने बोला दो पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू जिनके बीच का एक डिस्टेंस है, लेट से दिस इज आर, उसने बोला इन या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये सबको पता है। कूलम ने बोला भाई देखो लेट से ये है माइनस का 2 माइक्रो कूलम, उसको माइनस से कोई मतलब नहीं है। उसने कहा उसके मैग्नीट्यूड, जो भी प्लस वाली वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव, कहने का मतलब है माइनस का 2 माइक्रो कूलम जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो 2 माइक्रो कूलम है। उसने बोला पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है इनके प्रोडक्ट पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। बोलोगे अरे सर मजा आ जाता है ऐसे ना, एफ क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और सबको बताया देखो मैथमेटिक्स ये कहती है जब भी हम इस सिंबल को हटाते हैं जो किसका सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो इक्वल का साइन लगाते ही एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन द लॉ और द इक्वेशन, इक्वेशन या लॉ पे डिपेंड करता है वो कांस्टेंट। तो भैया देखो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये तो चलो बात हो गई ठीक है। के क्या है भैया? देखो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और फोर्स सबको बताया भैया किसमें होता है? न्यूटन, टन 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 न्यूटन में होता है, तो लिख देते हैं न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर, उसको डिवाइड करोगे पर कूलम्ब स्क्वायर, ये तो हो गया ठीक। लेकिन देखो के को ना आपको एक दूसरा तरीका भी होता है लिखने का, फेमस है काफी जो 1/4 πε0। और अब आप नहीं बोलते, देखो भैया इसको बोलते हैं, ओ अभी मैं ही कुछ और लिख देता भाई, एप्साइलन नॉट, नॉट आपको पता है जो नीचे सर्कल होता है जीरो बोलते हैं जिसको कई बच्चे, तो एप्साइलन नॉट अगर इसको मैं हटा दूं तो ये नॉट हट जाएगा। चलो ये छोड़ो ठीक है, तो 1/4 πε0। अब बात है सर एप्साइलन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हो, ये देख लो, देख लिया बढ़िया से, तो मेरी कोशिश रहेगी भाई तुम बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से दे पाऊं। तो देखो सिंपल सी बात है,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻¹. एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, इसको इधर, इसको इधर ले जाओ. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 π⁻⁹. ये आ गया, बहुत समझदार हो भाई. जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो 8.858 × 10⁻¹² और क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था तो इसकी जो यूनिट है वो भी रेसिप्रोकल में आएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. उल्टा कर दो भाई. चलो ये तुम समझ गए होगे 8.8, ये हाँ बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया. ये भी आ गया ठीक है. और इसका एक और नाम भी होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि अभी बहुत कुछ नया आने वाला है. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखो सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट और इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. बोलो तो पसीना बहुत आता है भैया, क्या करें, गर्मी है, मार देती है इंसान को. हाँ जी हटा दूं. देखो भाई बटन खोलने का बड़ा मन है तो बटन भी खोलेंगे. गर्मी हाय हाय गर्मी. ये लो भाई खोल लिया. अब जाना कहीं नहीं है, जब जाना होता है तो हम बाय बाय करके भेजते हैं. भैया देखो अब इससे एक टॉपिक जो है अपना बढ़िया वाला, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. बोलोगे सर ये जरूरी है क्या? अरे भैया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो पूरा का पूरा निकाल लिया, डायरेक्शन नहीं निकालोगे, निकालनी पड़ेगी ना. अब आप इस चीज को ना ऐसे सोचो तभी मजा आएगा इसमें. ये है इनके बीच का डिस्टेंस r, ये है मेरा चार्ज q1 एंड दिस इज q2. अब भैया देखो चाहे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, आज मुन्ने चाहे एक दूसरे को रिपेल करे, चल दूर भग जा. आप एक चीज नोटिस करो, ये जो r है फोर्स की डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी. भाई देखो वेक्टर r को मैं ऐसे बना दिया ठीक है, दिस इज वेक्टर r. अब इसको हटाता हूँ, तुम्हें वैसे क्लियर हो जाएगा, फिर कभी इस टॉपिक को रट्टा नहीं मारोगे. तो आप ऐसे सोच के देखो सर, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हुई तो वेक्टर आर के पैरेलल हो गई. फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हुई, अगर 11th थोड़ी भी याद है तो इतना भी याद होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. पता है ना, बस माइनस का फर्क होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो. क्या किस चीज का फर्क होता है? डायरेक्शन रेशियो का फर्क होता है. तो एंड जो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तब भी वो पैरेलल ही होंगे एक दूसरे के. इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल, फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो. बड़ी आसानी से समझ भी गए चलो तुम. अगर फोर्स की डायरेक्शन आर के अलोंग है तो फिर तो मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं इसको. बोलो सर अब तो क्या करोगे, लिख ही दो k q1 q2 / r² या भी डायरेक्शन. क्योंकि देखो सबको पता है एक वेक्टर बनता है भाई लोग इससे मल्टीप्लाई बाय इससे. अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ यहां पहले निकाल चुके हैं, ये रहा मेरा मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, वही तो मैंने यहां करा है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और इसके तो सेम ही है. आप समझ में आया कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अब भैया देखो ये भी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर आप इसको ना ऐसे भी लिख दोगे, बचपन का मतलब 11th क्लास से था भैया, पहले ही समझा देते हैं. यहां से दिख रहा है इसे डिवाइड कर दो. अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसमें कोई दोहरा है तो मुझे बता दो भाई. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बेसिकली है क्या, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ का तो पहले से स्क्वायर हो रखा है. वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये जो पूरी पूरी लेंथ है. ठीक, इतना क्लियर हुआ? पसीना बात है भैया पसीना. तो अब मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर तो
ये अगले स्टेप में लिखना होता है, वैसे मैं बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ अब ये थोड़ी है कि मैं पूरा बोर्ड ही पढ़ता जाऊंगा, छोटा सा बोर्ड है भैया, कितना तुम उसको कष्ट दोगे। हाँ इतना भी क्लियर है, आर स्क्वायर इंटू आर ये भी बता दो, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, के क्यू वन क्यू टू आर वैक्टर डिवाइड बाय आर क्यू, ये आ गया आपका, जिसके लिए बच्चे इतनी जद्दोजहद करते हैं। भाई आंख में उंगली घुस गई। हाँ जी इतना आया, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, मजा आ गया। चलो भाई बच्चों अब एक चीज और, कुछ प्यार भरी बातें करेंगे इन मौज काटो।